पलायन का सिलसिला नहीं थम रहा। दिल्ली से मजदूरों का पैदल मार्च जारी है। पेट खाली, जेबें खाली, काम नहीं तो सोचा घर लौट चले। दिल्ली में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर पूर्वांचल के हैं, यानी बिहार और यूपी के, जिनके वोटों पर हर पार्टियों की नजर रहती है। ऐसे में मनोज तिवारी की ये तस्वीर बताने को काफी है कि वो कितने गंभीर हैं। लॉकडाउन के इस वक्त में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी कभी गाना बजाना कर रहे हैं तो कभी बल्ले पर हाथ आजमा रहे हैं। माना कि ये वक्त भीड़भाड़ से दूर रहने का है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जिन वोटरों के दम पर मनोज तिवारी दिल्ली में हुंकार भरते हैं, क्या उनकी सुध लेने की जरूरत नहीं? क्या मनोज तिवारी के पास इतना भी वक्त नहीं कि पूर्वांचल के लोगों का वो दर्द समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पलायन रोकने के लिए मजदूरों से बात करते, उनके खाने के लिए कोई बंदोबस्त करते? मनोज तिवारी ही नहीं, कई नेता अपने में मस्त हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के घर जिंदगी के सुर गूंज रहे हैं। देशबंदी में सरकार ने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा तो खींच दी, लेकिन घर की दीवारों में तो वक्त काटने का जरिया तैयार हो गया। कोरोना वायरस पूरे मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से 21 दिन का लॉकडाउन किया है। कोरोना वायरस को हम तभी हरा सकते हैं जब हम घर में रहें और बाहर जाने से बचे। ये वक्त बहुत सख्त है। लॉकडाउन की फौलादी दीवारें मजबूत रही तो कोरोना खामोश पड़ जाएगा। मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर भी एक्शन के फ्रंट से तैनात हैं। घर से काम करने के लिए जितने नियम थे सबको शिथिल कर दिया गया है, तो भारत का जो पूरा बैकहेंड ऑफिस है वो सब घर से चल रहा है। सभी अधिकारियों से और हमारी रोज की टोली है तो उसके साथ लगातार मेरा फोन पर जूम टेक्नोलॉजी से भी, फोन पर और ईमेल से भी लगातार कांटेक्ट है। हमने कार्य योजना बनाई है, उसके तहत चल रहे हैं। लॉकडाउन में संसद स्थगित है, लेकिन सख्त मिजाज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी घर से लॉकडाउन का संदेश दे रहे हैं, लेकिन मजदूरों के पलायन को रोकने का उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कोटा से सांसद होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र के मजदूरों, लोगों के पलायन को रोकना चाहिए था। वो तस्वीरें भी आपने देखी जहां शरद पवार से लेकर संजय राउत जैसे नेता भी लॉकडाउन में घरों में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन का सम्मान जरूरी है, लेकिन नेताओं को ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए जिनके दम पर वो सांसद से लेकर मंत्री बने हैं। संकट की घड़ी में उनका ख्याल रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो।